नमस्कार, आई एम अजय कुमार गुप्ता, योर फ्लूट परमिटर फ्रॉम इंडिया। माय व्हाट्सएप नंबर इज +91933411-2316। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अपने मन चाहे रागों, मन चाहे बॉलीवुड सॉन्ग्स, मन चाहे हॉलीवुड साउंड ट्रैक्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स पाने के लिए, जिसे मैं कुछ फीस लेकर आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा और आपके मन चाहे स्केल में इसे बनाकर मैं आपको दूंगा। और ये वीडियो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होगा, आपके नाम से होगा और आप अपने स्केल से बांसुरी के साथ बैठकर आराम से प्रैक्टिस कर सकेंगे। आप इसी क्रम में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं द दार्जिलिंग अनलिमिटेड मूवी का ये साउंड ट्रैक। इसे मैं D7 बेस फ्लूट पर प्रस्तुत करूंगा, जिसे सुभाष ठाकुर जी ने बनाया है। ओरिजिनल साउंड ट्रैक A7 स्केल से है। बैकग्राउंड में तबला बज रहा है जो 260 BPM पर है। ताल कहरवा, धागे न तेनक दिन, इस प्रकार धागे न तेनक दिन, धागे न तेनक दिन, दैट्स इट। सो लॉन्ग, हम लोग सुनते हैं द दार्जिलिंग अनलिमिटेड का ये साउंड ट्रैक। तो ये था साउंड ट्रैक और अब चलते हैं इसके वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। लीजिए चलते हैं, देखिए इसका वीडियो ट्यूटोरियल। आप आराम से इसे बजा सकते हैं। इसे मैंने 2-3 स्केल में ट्राई किया जो बांसुरी पर कन्वीनियंट हो सकता है, जो मोस्ट इजीली हो सकता है। मैंने पाया कि जो नेचुरल हमारा सा है किसी भी बांसुरी का नेचुरल स्केल जो हमारा ये बनता है नीचे से 3 छेद खोल करके, वही सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता। हालांकि A7 से था तो मैंने कोशिश की है इसको लेकर, लेकिन बहुत जगह कोमल और अटपटे ढंग से नोट्स आ रहे थे जिसे सहज रूप से बजाने में कठिनाई हो रही थी। वैसे प्रैक्टिस करें तो आप कहीं से ही बजा सकते हैं, लेकिन जो सबसे कन्वीनियंट स्केल था वो नेचुरल यहीं से था। तो देखते हैं पहला पीस। बोल इस प्रकार है, ये 4 बीट्स है, 1, 2, 3 और 4।
धा पा धसा धा पा धसा धा पा धसा धा सा धा। ये इस तरह से ये पहला पिसा है। बोल इस प्रकार है, धा सा धा पा धा सा। उसके बाद है धा पा धा सा धा सा धा सा। उसको आप मिडिल ऑक्टेव में लाकर मा प ध लगाते हैं, मा प ध। फिर उसके बाद ये पहला पीस क्लियर होता है, सेकंड पीस में आते हैं। धा सा गा रे। ये दो लाइन 4/4 बीट में क्रॉस किया। धा सा गा रे। इसके बाद धा सा गा रे। उसके बाद लेना है सिंपल धा सा, कंटिन्यू करना है, याद रखिएगा धा सा। फिर उसके बाद लेते हैं सा, धा सा। फिर उसके बाद फिर पहला पीस दोबारा आता है, धा सा धा पा धा सा, यानी पहला अष्टांग फिर से कंटिन्यू कर जाता है, सेम वो मा पा धा तक एंड करेगा। फिर उसके बाद थर्ड पीस आता है, देखेंगे गा रे सा रे पा मा गा मा। यहां मा तीव्र है, ध्यान दिखिएगा, पहले पीस में मा शुद्ध रखा है, लेकिन ये लास्ट जो पीस चल रहा है इसमें मा तीव्र है। गा रे सा रे पा मा गा मा पा धा गा निधा नी पा धा गा। गा रे गा सा रे धा। फिर उसके बाद पीस पहला फिर रिपीट होता है, धा सा धा पा धा सा धा सा धा सा मा पा धा। एक्चुअली इसको चाहते तो मैं दो बांसुरी पर बजा सकता था, लेकिन मा पा धा लोअर ऑक्टेव में भी आता है, ऊपर में भी कभी कभी आता है, तो मैंने ऊपर में ही हमेशा रखा है धा सा धा पा धा सा धा पा धा सा धा सा धा सा। उसका मिडिल ऑक्टेव में आकर मा पा धा। आप चाहे तो बांसुरी पर डिफरेंट डिफरेंट पिच में बदल बदल कर भी इसको बजा सकते हैं। एक उदाहरण एग्जाम्पल, बांसुरी पर अगर आप बहुत अच्छे फ्लुएंट हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाकर छोटे छोटे पीस को बदल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेव में जाकर, जैसा मैंने आपको दिखाया। आप कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल हो जाएगा। मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। Keep watching me, Anjali Kumar Gupta, your flute promoter. Thank you.